दोस्तों, अगर आपने ज़ॉम्बीज़ हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन जैसे ही चौराहे के करीब पहुंचे, उन्हें सामने एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ दिखाई दिया। बुल्ली ने कहा, गुल्ली और शॉन इसे फौरन शूट कर दो, वरना बाद में ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। गुल्ली और शॉन ने एक के बाद एक 22 गोली मारकर तीसरे ज़ॉम्बी का भी काम तमाम कर दिया। ज़ॉम्बी के मरते ही एक अजीब सी आवाज़ ने गुल्ली बुल्ली और शॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचा और तीनों आसमान की तरफ देखने लगे। वहाँ एक UFO आ गया था। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए UFO के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि ये UFO यहाँ क्यों आया है। बुल्ली को तो पहले से ही इस बात पे शक है कि दूसरी दुनिया के ज़ॉम्बीज इस UFO के जरिए हमारी दुनिया में आ रहे हैं, और अब की बार ये UFO और कितने ज़ॉम्बीज लेकर यहाँ आया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन UFO को देख ही रहे थे कि तभी उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी और तीनों बड़ी हैरानी से ये सब देखते रहे। तभी बुल्ली बोला, मुझे लगता है कि अब उस मशीन से कोई बाहर आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये सब हम कहीं और से छुप कर देखेंगे, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गुल्ली ने कहा, हमारे पास गन है बुल्ली, जो भी बाहर आएगा हम उसे गोली से उड़ा देंगे, चलो तैयार हो जाओ शॉन। तभी बुल्ली ने गुल्ली और शॉन को गोली चलाने से रोक दिया। बुल्ली ने कहा, रुक जाओ गुल्ली, अगर ज़ॉम्बीज झुंड में हुए तो तुम उन्हें मार नहीं पाओगे, पहले उन्हें मशीन से बाहर आने दो, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, चलो जब तक कहीं चलकर छुप जाते हैं। तभी गुल्ली ने कहा, वो देखो बुल्ली, कोई उस मशीन से बाहर आ गया है, धुंधली सी कोई चीज उस रोशनी के बीचों बीच दिखाई दे रही है। तभी UFO वहाँ से चला गया। एक लंबा पतला आदमी UFO से बाहर आया था, लेकिन उसका सर नहीं था, उसकी गर्दन काफी लंबी थी और उसमें 2 भोपू लगे हुए थे और उसका नाम था साइरन हेड। गुल्ली बुल्ली और शॉन साइरन हेड को देखते ही वहाँ से भाग निकले। इन तीनों ने पहले कभी साइरन हेड को नहीं देखा था और साइरन हेड शहर में तबाही मचाने आ चुका था। साइरन हेड ने आते ही लोगों को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ज़ॉम्बीज की वजह से शहर पहले ही खाली हो चुका है और जो लोग बचे थे उन्हें ज़ॉम्बीज खा गए। और अब साइरन हेड के खाने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय गुल्ली बुल्ली और शॉन के, और कहीं अगर साइरन हेड ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया तो तीनों को अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन छुप कर साइरन हेड को देख रहे होते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, ये तो बहुत बड़ा है, हम इसे मारेंगे कैसे, हमें इस वक्त बाबा की जरूरत है। बुल्ली बोला, वो शैतान भी उधर ही गया है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। और तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर शॉन के लिपट गया। गुल्ली ने जैसे ही ये सब देखा ज़ॉम्बी पे गोली चला दी। ज़ॉम्बी पीछे हटने लगा तो शॉन ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दी और आखिर कुछ देर बाद ज़ॉम्बी मारा गया। तभी बुल्ली बोला, गोली चलाना बंद करो, लगता है वो शैतान इधर ही आ रहा है। और तीनों बिना आवाज किए चुपचाप खड़े हो गए और तभी वहाँ साइरन हेड आ गया। साइरन हेड गुल्ली बुल्ली की तरफ ना आके सीधे आगे जाने लगा, लेकिन ये वहाँ क्या करने जा रहा है। लेकिन साइरन हेड ये क्या करने जा रहा है। साइरन हेड उस फीमेल बॉडी के पास आकर खड़ा हो गया जिसे ज़ॉम्बीज ने खाया था। कुछ देर तक साइरन हेड उस बॉडी को देखता रहा और फिर वो उसे उठाकर पूरा खा गया, लेकिन अभी उसका पेट नहीं भरा है, उसे और खाना चाहिए। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने जब ये सब देखा तो तीनों की हालत खराब होने लगी। गुल्ली बोला, बुल्ली जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, हम इसे लड़ नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ा है, चलो शॉन हमें ये सारी बात बाबा को बतानी होगी। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों वहाँ से चले गए, लेकिन साइरन हेड ने इन तीनों को देख लिया है और अब वो इनके पीछे लग गया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी तक पहुंचना है और साइरन हेड के आने से पहले ही यहां से निकल जाना है, वरना साइरन हेड इन लोगों को यहां से जाने नहीं देगा। लेकिन अफसोस कि गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी तक नहीं पहुंच सके और साइरन हेड को आता देखकर बिल्डिंग के पीछे छुप गए। गुल्ली और शॉन प्लानिंग बनाने लगे कि किस तरह साइरन हेड को मारा जाए, लेकिन तभी बुल्ली ने गुल्ली से कहा, चुप हो जाओ वरना उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा, वो इधर ही आ रहा है। और उसके बाद तीनों चुपचाप खड़े होकर साइरन हेड के जाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के बाद साइरन हेड वहां से जाने लगा।
कुछ दूर आगे जाने के बाद सायरन हेड फिर से रुक गया और गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला वो उस जॉम्बी के पास जाने लगा जो उसके ठीक सामने दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ा हुआ था। जैसे ही सायरन हेड जॉम्बी के पास पहुंचा, फौरन जॉम्बी ने पास आकर सायरन हेड को सैल्यूट किया क्योंकि सायरन हेड सारे जॉम्बियों का लीडर है। सायरन हेड ने जॉम्बी को डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने अब तक इस शहर को इंसानों से खाली नहीं कराया, अभी मैंने 3 लोगों को टहलते हुए देखा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर इन 3 को ढूंढ निकालो वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे, काम चोर कहीं के। जॉम्बी को हड़काने के बाद सायरन हेड आगे चला गया और डांट खाने के बाद जॉम्बी का खून खौल गया और वो गुल्ली बुल्ली को ढूंढने निकल गया। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी तक पहुंचने की प्लानिंग बनाते हैं। बुल्ली कहता है, सायरन हेड चला गया है, जितने जल्दी हो सके हमें गाड़ी तक पहुंचना है, वो भी बिना आवाज किए। चलो जल्दी करो वरना सायरन हेड आ जाएगा, ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी की तरफ जाने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी इन तीनों ने सामने से आता हुआ एक जॉम्बी देखा। ये देखकर बुल्ली और शॉन ने जॉम्बी पे गन तान दी, लेकिन बुल्ली ने गुल्ली और शॉन को गोली चलाने से रोक दिया। बुल्ली बोला, पहले जॉम्बी को पास आने दो फिर उसे शूट करना, चलो जब तक कहीं चलकर छुप जाते हैं। और उसके बाद तीनों छुपकर जॉम्बी के पास आने का इंतजार करने लगे। गुल्ली ने कहा, तुम लोग तैयार हो ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गोली चलते ही सायरन हेड आ सकता है। गुल्ली बुल्ली बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन ने गोली चलाना शुरू कर दी। शॉन को देखकर गुल्ली भी गोली चलाने लगा, लेकिन जॉम्बी भाग गया। गुल्ली और शॉन के हाथों से एक शिकार निकल गया। उसके बाद भी गुल्ली और शॉन उस पर गोली चलाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जॉम्बी भाग चुका था। गुल्ली ने शॉन से कहा, तुम्हें किस बात की जल्दी थी, उसे पास तो आ जाने देते। गुल्ली बोला, तुम्हारी वजह से वो जॉम्बी भाग गया, अब वो और जॉम्बी को लेकर आएगा और हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बुल्ली ने कहा, चलो शॉन, जो हो गया सो हो गया, अब हमें गाड़ी तक जल्दी पहुँचना है, जल्दी नीचे उतरो। शॉन बोला, अगली बार वो जॉम्बी मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। बुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और गुल्ली और शॉन गाड़ी के पीछे खड़े हो गए। बुल्ली ने कहा, रास्ते में हमें जॉम्बीज मिलेंगे गुल्ली, लेकिन उन्हें गाड़ी तक मत पहुँचने देना। और उसके बाद बुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। तभी वो पहला वाला जॉम्बी दौड़ता हुआ आया और किसी को इशारा करके जाती हुई गाड़ी दिखाने लगा। दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? सायरन हेड और जॉम्बीज मिलकर अब और कौन सा आतंक मचाने वाले हैं? और क्या होगा जब बाबा लंगोटी लाल और सायरन हेड आपस में टकराएंगे? ये सब हम देखेंगे इसी चैनल मेक जोक हॉरर पे 4 अक्टूबर संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।